नमस्कार, ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से मैं आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपको हजारीबाग और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड जीरो से रूबरू कराऊंगा। तो आइए चले हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में। ग्राउंड जीरो से हमें रूबरू होते हैं हजारीबाग की जमीनी हकीकत से, जानते हैं यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को, उनकी उम्मीदों को, करते हैं पड़ताल अब तक हुए जनप्रतिनिधियों के कामों की। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए यहाँ के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि। हजारीबाग और बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र का हाल राजनीति के लिहाज से हजारीबाग काफी समृद्ध रहा है। यहां से भाजपा के यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। वहीं रामगढ़ राजघराना के सौरभ नारायण सिंह दो बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। फिर भी हजारीबाग में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पीने का पानी, रोड, बिजली आपूर्ति जैसी समस्याएं आज भी मुद्दा बनती है। विष्णुगढ़ के कोनार डैम से वाटर सप्लाई की मांग सालों से अधूरी है। रिंग रोड का निर्माण नहीं हुआ है। उद्योग के लिहाज से यहाँ कुछ भी नहीं है। आजादी के बाद अब तक हजारीबाग रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, हालांकि अब कार्य प्रगति पर है। रोजगार के लिहाज से हजारीबाग में कुछ भी नहीं है। हर साल बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है, लेकिन यहां की समस्याओं को देखते हुए किसानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है। शिक्षण संस्थान के मामले में हजारीबाग धनी रहा है, लेकिन यहां के ऐतिहासिक कॉलेज संत कोलंबस के स्तर में भी काफी गिरावट आई है। अब नजर डालते हैं हजारीबाग विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। हजारीबाग सीट अनारक्षित है। हजारीबाग सीट पर कुल प्रत्याशी हैं 21। भाजपा मनीष जायसवाल, कांग्रेस जयशंकर पाठक, झामुमो भुवनेश्वर प्रसाद, जेवीएम इरशाद बीन रहमान। निर्दलीय प्रदीप प्रसाद आजसू के बागी। यहां मतदान केंद्रों की कुल संख्या है 392। यहाँ वोटरों की कुल संख्या है 335,516। पुरुष वोटरों की संख्या है 178,743। महिला वोटरों की संख्या है 156,772। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की रोजी रोटी कृषि के भरोसे है। यहाँ मुख्य रूप से धान, आलू, टमाटर और धनिया की खेती होती है, लेकिन सरकारी स्तर पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध क्रशर लगे हैं, जहाँ पत्थरों का धड़ल्ले से उत्खनन हो रहा है। शिक्षण संस्थान के मामले में बरकट्ठा में एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो लाखों की आबादी वाले इस क्षेत्र में CHC और PHC के भरोसे लोगों का इलाज होता है। यहाँ रोजगार के अवसर नहीं मिलने से युवाओं का पलायन जैसे नियति बन चुका है। इस बार बरकट्ठा में विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब नजर डालते हैं बरकट्ठा विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। बरकट्ठा सीट अनारक्षित है। बरकट्ठा सीट पर कुल प्रत्याशी हैं 13। भाजपा अमित कुमार यादव, जदयू मटेश्वर प्रसाद मेहता, कांग्रेस राजद जदयू गठबंधन के प्रत्याशी, झामुमो दिगंबर कुमार मेहता, JVM जानकी प्रसाद यादव। यहाँ मतदान केंद्रों की कुल संख्या है 239। यहाँ वोटरों की कुल संख्या है 301,759। पुरुष वोटरों की संख्या है 159,593। महिला वोटरों की संख्या है 142,165। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता। 2005 में हजारीबाग सीट के लिए हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह ने निर्दलीय ब्रजकिशोर जायसवाल को 3,065 वोट के अंतर से हराया था। वहीं 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस के सौरभ नारायण ने पारी और इस बार भाजपा के देव दयाल को 9,287 वोट के अंतर से हराया। बरकट्ठा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के चितरंजन यादव ने निर्दलीय दिगंबर कुमार मेहता को 6,923 वोट से हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में भाजपा ने अमित कुमार यादव को मैदान में उतारा और JVM से जानकी प्रसाद यादव को हराकर सीट पर कब्जा कायम रखा। इन दोनों सीटों के लिए 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। रिपोर्ट के जरिए आपने जाना हजारीबाग विधानसभा को करीब से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे यहाँ के लोगों से, सुनेंगे उनकी उम्मीदें और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद ई टीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की। हम जान रहे हैं यहाँ के जमीनी हकीकत को, लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ के मतदाताओं से बात ना करें, उनसे ना जाने कि यहाँ के विकास को लेकर के क्या कुछ काम हुए हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो यहाँ क्या कुछ किए हैं, इनकी क्या जन समस्याएं हैं जिनसे ये रोज दो चार होते रहते हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो कितना विकास हुआ है, आपके उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है यहाँ का विकास योजना? जी, हम लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। आज डेली मार्केट का हाल जाकर के देखिए तो वो बदबू मार्केट में शुमार होता है। कई योजना बना, कुनार डैम से लाने का पानी, छड़वा डैम को गहरीकरण का, लेकिन हजारीबाग में पानी की इतना दिक्कत है कि एक टाइम ही पानी मिलता है। तो मुख्य मुद्दा है कि पानी हजारीबाग में, पानी और बिजली, ये दो समस्या बहुत जटिल है। बिजली को लेकर के आंदोलन हुआ, यहाँ एक बड़ी समस्या जाम की लगती है, शहर कंजेस्टेड है, रिंग रोड बनाने की बात हुई थी, कितना जमीन पर उतर पाया? ये तो बिल्कुल जमीन पर नहीं उतर पाया है। यहाँ पे पानी की, बिजली की सुविधा है 24 घंटे में, यहाँ पे आज के डेट में 8 से 10 घंटे बिजली रहती है। यहाँ आज भी देखिए कम से कम जो रोजमर्रा की दवाएं हैं, कुत्ता काटने से लेकर सांप काटने तक की दवा यहाँ नहीं मिलती है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इलाके का हाल देखें, रोड का हाल देखें तो बस से बदतर है। हम लोग को यहाँ चाहिए एक बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए, जो पहले के लोग हैं उसको नकारना चाहिए और अच्छे लोगों को इसमें आना चाहिए। हजारीबाग विकास के आईने में कितना चमक रहा है? हजारीबाग का आईना यहाँ के जन प्रतिनिधियों पर नहीं बल्कि अपने रहमो करम पर चमक रहा है। हजार बागों के इस शहर में आज स्थिति यह है कि 18 बड़े बड़े तालाब शहर में हैं, लेकिन यहाँ के निवासी पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। दूसरी ओर सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ होता है, लेकिन यहाँ के निवासियों को कोयला चोरी का जलाना पड़ता है। जनप्रतिनिधि इसके लिए थोड़ा सा भी कहीं से संवेदनशील नहीं है। तीसरी बात कि हजारीबाग पर्यटनों का शहर कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर्यटन के माध्यम में के लिए सब कुछ समाप्त है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं किसी ने किसी बहाने जनता को छलने का काम किया, यह कहकर कि गठबंधन की सरकार है, यह कहकर कि मेरी अपनी सरकार नहीं है। लेकिन वास्तव में ये देखा जाए कि जितने आज से 20 वर्ष पहले हजारीबाग जहाँ पर था आज वहीं पर है, और जो भी काम हुआ है दो दशक पहले गए बनाए गए जो प्लानिंग थे, योजना थी, उसी योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है। हजारीबाग में सब कुछ होते हुए भी यहाँ के निवासी ताक रहे हैं दूसरे शहरों के लिए। पलायन की स्थिति है कि जो नौजवान हैं अभी खेती का टाइम है बाहर चले गए हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तीसरी ओर की जो राजनीति हो रही है ये राजनीति जनता के लिए नहीं हो रही है, अपने वजूद को बनाने के लिए हो रही है। राजनीति अपने वजूद को बनाने के लिए हो रही है। आप क्या कहेंगे यहाँ के, अगर विकास की बात करेंगे, बुनियादी सुविधाओं की बात करेंगे, कितना उपलब्ध हो पा रहा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग, और यहाँ पर धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, बोकारो सभी जगह के युवा आते हैं अपने मंजिल की तलाश में। यूनिवर्सिटी यहीं पर है, लेकिन युवाओं को भी देखा जाए तो वो संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। युवाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लॉज में, या उनको और जो बिजली की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, वो भी मैसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई विकास का कोई बहुत विशेष कार्य हजारीबाग में नहीं हो पाया है। आने वाले जनप्रतिनिधियों को और भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खास करके युवा, जो यूथ विंग है, जो झारखंड का आने वाला भविष्य है, उसको रोजगार के संसाधन कैसे उपलब्ध कराया जाए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का बेल्ट कैसे स्थापित किया जाए, यहाँ पर अन्य जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने के जो यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पर आएँ, और यहाँ पे आकर के हमारे अभी जो वित्त राज्य मंत्री बने हैं जयंत सिन्हा जी, तो वो भी यदि यशवंत सिन्हा जी के कदमों पर चलते हैं कि वो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री बने थे, लेकिन हजारीबाग का कुछ भी विकास नहीं हो पाया और यहाँ से सारा कुछ उठ करके दूसरे जगह पर चला गया, तो मुझे लगता है कि फिर एक अफसोसजनक पहलू हमें देखना होगा कि ये वित्त राज्य मंत्री रहते हुए भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो महिलाओं को लेकर के हजारीबाग में क्या कुछ देखने को मिलता है? यहाँ पे महिलाओं के लिए तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह का, झारखंड में सबसे पहले चीज़ है कि पे नहीं मुख्यमंत्री है और ना ही कोई तरह का यहाँ पे साधन है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लड़कियों लोग के लिए भी बहुत तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, और ना ही यहाँ पे अच्छे से यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह भी नहीं है, बहुत तरह का यहाँ पर बेरोजगारी का भी यहाँ पर देखना पड़ा लड़कियों लोग के लिए। यार 14 साल हो गए झारखंड को बने हुए, और वो चीज़ हम लोग को सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है जो यहाँ की लड़कियों को मिलना चाहिए, खासकर हम युवा।
आज हम देखते हैं कि जैसे ही दिन होता है तो हम लड़कियां बाहर निकल जाते हैं, परंतु जैसे ही शाम ढलती है हर एक के माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि बेटियां अभी तक घर नहीं आई हैं। इसलिए हम यहां सुरक्षित और स्थिर सरकार चाहते हैं। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि वो हो जिसके काम धरातल पे दिखे, वो सिर्फ पैराशूट से उड़ के दिल्ली से आए और रांची से उड़ के आए और यहाँ पे आए जाए नहीं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो काम करे, रोड सड़कें सारी चीज़ें बदहाल है यहाँ की, झारखंड की। झारखंड की क्या कोई शहर है ही नहीं टक्कर का? हमारा झारखंड रांची, वहाँ पे एक रहने तक की अच्छी सुविधा नहीं है। कुछ होटल्स और कुछ अच्छे चीज़ बन चुके हैं, नहीं तो नहीं के बराबर सुविधा है। नाम का झारखंड बना लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं। एक स्थिर सरकार आवे, चाहे किसी भी पार्टी की रहे और कोई भी जनप्रतिनिधित्व रहे। आज भी हमने पेपर में पढ़ा कि जनप्रतिनिधित्व पर एक 105 कोई धारा है, उसके तहत वो रिश्वत भी ले रहे हैं घूस वोट देने के लिए, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसा ले लिए दे लिए उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी गलत काम करे उसका डिसीजन आज नहीं, 10 साल बाद 15 साल बाद जब वो मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं तब डिसीजन होता है, या कभी कभी डिसीजन ही नहीं होता। ये जब तक उन पर कड़ाई नहीं होगी तब तक इस देश में कभी भी भलाई होने वाला नहीं। समस्याओं की बात करेंगे तो हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग में न लाइट है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके प्रति एकदम उदासीन है, कोई देखने वाला नहीं है। जीत के जाना है, अपना पेट पॉकेट भरना है, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से देखते हैं कि बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उस समस्या से त्रस्त है यहाँ की जनता। कई जनप्रतिनिधि आए, विभिन्न पार्टियों के लोग आए, जीत कर आए, लोगों ने जिता कर भेजा इस उम्मीद के साथ कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, उन्हें समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन हजार बागों के शहर को अभी तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला है जो इनकी समस्याओं को, जो जनता की समस्याएं हैं, उन्हें शॉर्ट आउट कर सके। हम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और लेंगे हिसाब, जानेंगे कि उनके इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या वायदे हैं, किन वायदों को लेकर के वो जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में। तो अभी हम बात कर रहे थे मतदाताओं से और जान रहे थे उनकी समस्याओं को, उनकी उम्मीदों को, उनकी अपेक्षाओं को। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास इन जनता की समस्याओं को सुधारने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए इनके पास क्या योजनाएं हैं, और अब तक जो इनके प्रतिनिधि यहाँ पे रहे हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। भाजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष है उद्योग प्रकोष्ठ के भैया अभिमन्यु प्रसाद, आप बताएं। अगर कहा जाए तो यहाँ पे भाजपा के सांसद भी रहे हैं, पहले भाजपा के विधायक भी रहे हैं, वो मंत्री भी यहाँ पे रहे हैं। अगर पूर्व में हम देखें देवीदयाल कुशवाहा के समय में, अब भी अगर हम बात करेंगे तो अपेक्षित विकास नहीं हुआ, लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए हैं जनप्रतिनिधि, क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास तो काफ़ी हुआ है हजारीबाग का, और विकास तो निरंतर चलते रहने वाला एक प्रक्रिया है। और इसी के तहत जो हम लोगों का इस बार नारा है, हम लोगों का जो है कि संपूर्ण विकास के लिए जो है, हम लोग जनता के पास पूर्ण बहुमत मांग रहे हैं। अगर पूर्ण बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को जो इस बार प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद झारखंड में विकास की नदियां बहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय यादव जी हैं हमारे साथ में। अगर कहा जाए कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधि रहे हैं सौरभ नारायण सिंह, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन इस बार रणछोड़ की भूमिका में है वो, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने रन छोड़ा नहीं है, वो अगले 2019 की तैयारी में लगे हुए हैं, अगले लोकसभा के चुनाव में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रिंग रोड काफी लंबे समय से अटका हुआ है, उसमें कुछ प्रगति नहीं दिख रही है। पेयजल की जो समस्या है वो है। अगर हम हजारीबाग सदर अस्पताल की बात करेंगे तो वहाँ आज भी कई दवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है, जनता की ये डिमांड है यहाँ पे, उसके विषय में क्या कहेंगे, क्या सौरभ नारायण सिंह ने किस हद तक? अभी हाल में जहाँ तक पेयजल की समस्या की बात कर रहे हैं, अभी कुनार डैम से एक टीम आई हुई है जो सर्वे कर रही है, जो शहर में कुनार डैम से पानी का लाने का काम करेगा। रिंग रोड एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है, वो टेंडर हो गया है, वो सर्वे कर रहे हैं, और उसके बाद चूंकि आचार संहिता लग गई है इसलिए अभी काम नहीं लगा है। और जहाँ तक अभी ये हॉस्पिटल के सुधार की बात कर रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में काफ़ी सुधार हुए हैं। अभी तुरंत मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन के लिए माननीय राजेंद्र सिंह ने आए थे और उद्घाटन हुआ है, ये एक महीना पूर्व ये सारी चीज़ें हुई है, उद्घाटन हुआ है। लेकिन वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करेंगे वो उपलब्ध नहीं है, क्या कहेंगे?
देखिए बुनियादी सुविधा तो ऐसा है कि पहले ही से आप देखिए पहले के सरकार भी रहे, एक साल मात्र कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई है, उस सरकार के चलने से काफ़ी यहाँ माने दवाएं उपलब्ध रही है। और जहाँ तक सुविधा की बात है तो आप अभी भी जो शहर में रोड देख रहे हैं वो सौरभ नारायण सिंह की देन है। कल तक आजसू में रहे, आज आजसू छोड़ करके यहाँ पे एक प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं और ये लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं आप पार्टी छोड़ने की वजह। जोरदार तरीके से हमने अपने बल पे अपने सहयोगों के बल पे करने का प्रयास किया है। यहाँ की जनता की आज किसी बड़े दल को नहीं चाह रही है, विधायक को नहीं चाहती है, सांसद को नहीं चाहती है, काम करने वाले सांसद को चाहने लगी, काम करने वाला विधायक को चाहती है। जनता तय करेगी विधायक चाहिए या काम करने वाला विधायक चाहिए, अब जनता तय करेगी सांसद चाहिए या काम करने वाला सांसद चाहिए, इसी मुद्दे को जनता के तक के हम चुनाव में जा रहे हैं। स्थिर सरकार की बात करते हैं केंद्र में और राज्य में क्या योजनाएं हैं, अगर इस क्षेत्र के विकास की अगर बात करेंगे तो? सारी योजनाएं तो हमने घोषणा पत्र में, हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में आ चुकी है, आप भी घोषणा पत्र को देखे होंगे, हमारे प्रदेश के नेता लोग ने हमने पूरे सारे घोषणाओं को प्रमुखता के साथ सभी के पास पहुंचाने का काम किया है। हजारीबाग के विकास के लिए क्या ब्लूप्रिंट है भाजपा के पास? देखिए हजारीबाग का जो विकास है इसमें हर एक साल नए नए कार्य जुटते चले जाते हैं। हजारीबाग का विकास में बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जो हजारीबाग ऊंचाइयों को छुआ है। अभी आप देखेंगे कि हम लोग तत्काल में हजारीबाग रेलवे भी यहाँ पे लगभग आ चुका है और इस बार ये चुनाव उनाव का मामला है, ये सब समाप्त होते ही ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी और हजारीबाग के सांसद श्री यशवंत सिन्हा जी का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सफलीभूत होगा। इस तरीके से देखते हैं कि हर पार्टी के हर प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के अपने अपने दावे हैं, इनके वायदे हैं, अब ये अपने वायदे पर कितना खरा उतरते हैं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा और इनकी किस्मत का फैसला यहाँ की जनता करेगी। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर नए विधानसभा में आपके साथ मिलेंगे, एक नए विधानसभा क्षेत्र के ग्राउंड जीरो से और वहाँ की हकीकत बताएंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रे झारखंड के लूट ले लो चोर बेईमान, जगह जगह हो किसान, कितना जतन हम इन झारखंड लेला, कितना घर बेघर कितना शहीद भेला, कितना जतन हम इन झारखंड लेला, कितना घर बेघर कितना शहीद भेला, झारखंड खातिर वीर बिरसा दई देले जान, जगह जगह हो जवान, गो दादा नोट में नहीं बेच दिया अपन भोटा गो, गो दादा गो। बस यही हमार निवेदन रहता कि वोट नहीं बेची है, स्वच्छ और साफ छवि के आदमी कहीं वोट दिए। जोहार।